भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। संघर्ष को आप अपना अपनी आप मौज बना लें, डिसिप्लिन, धार्मिक हो जाएं, पाखंडी नहीं, और स्वयं को देखें। ये चार सूत्र कल मैंने आपको बताए। अब सवाल एक बहुत बड़ा जो आज हमारे मित्र ने कहा कि सर ये डेवलप कैसे किया जाए, ये संघर्ष को मौज कैसे बनाया जाए, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी। आज मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको टी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। कल मैंने जिस मुद्दे को उठाया, जिस पर आपसे चर्चा की, एक वर्ड कल मैंने उठाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिर मैंने चर्चा की कि ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, वी ऑल आर ऑर्डिनरी, हम सब साधारण हैं। अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर ले तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं, जिनमें मैंने आपको बताया संघर्ष। संघर्ष को आप अपना अपनी आप मौज बना ले, डिसिप्लिन, धार्मिक हो जाएं, पाखंडी नहीं, और स्वयं को देखें। ये चार सूत्र कल मैंने आपको बताए। अब सवाल एक बहुत बड़ा जो आज हमारे मित्र ने कहा कि सर ये डेवलप कैसे किया जाए, ये संघर्ष को मौज कैसे बनाया जाए, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी। आज मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको टी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जी, पहली टी त्याग, त्याग सैक्रिफाइस, पहली टी त्याग सैक्रिफाइस, और दूसरी टी तपस्या, पेरेंट्स। अब ये क्या है, ये त्याग और तपस्या क्या है? मैंने कहा इस सीरीज को पूरा ही कर दे, जब शुरू कर दिया तो पूरा ही कर दे। टेंपल माउंट कल भी बता देंगे, मंडे को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां तक तो पता ही है, सिक्स डेज वॉर तक मैंने डिस्कस किया ही है, कहानी अपने दिमाग में रखिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को फॉलो करना पड़ेगा। टी स्क्वायर मतलब त्याग और तपस्या। सर जिसको ये सूत्र समझ में आ गया ना, उसके जीवन में क्रांति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मैं आप देखता हूं कि बार बार एक चीज पर बड़ा विरोध करता हूं मैं, एंबिशियस आदमी को मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं अटेंड करने चाहिए ना, क्योंकि जब मोटिवेशनल जो लेक्चर है वो नशे की तरह है। आप डिमोटिवेटेड हो गए, आप मोटिवेशनल लेक्चर लगा लोगे, वो थोड़ी देर के लिए नशा कर देगा आपको, बड़ा ताव मिला देगा आपको, थोड़ा सा रेजुविनेट कर देगा, थोड़ा मोमेंटम ले आएगा, लेकिन ये बाहर से होगा सर। मोटिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, वो अंदर तुम्हारे कोई चेंज नहीं करता। और जब तक तुम्हारे अंदर चेंज नहीं होगा, जिसको सदगुरु कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, तब तक तुम लाखों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, करोड़ों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। करोड़ों सुन लो। बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो डेली जब भी परेशान होते हैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेते हैं, वो उसकी वजह ये है इंटरनल कोई चेंज नहीं हो रहा है। सदगुरु ने एक बड़ा प्यारा टर्म दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हालांकि आज तक सौभाग्य नहीं हुआ उनसे मिलने का सदगुरु से, लेकिन मैं उनके कामों से बड़ा खुश हूं। कभी ईश्वर की कृपा रही तो मुलाकात जरूर होगी। सदगुरु से कभी मुलाकात नहीं हुई, एक आध लेक्चर मैंने उनके कहीं सुने होंगे, कभी किसी ने भेजा होगा कि यार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है लिख लो, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इनर इंजीनियरिंग पर, अंदर बदलाव करो, अंदर इनर इंजीनियरिंग। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा सदगुरु का, इनर इंजीनियरिंग। जब तक आप खुद का अंदर से बदलाव नहीं करोगे, तब तक आपको बाहर रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे पंडित रविशंकर जी ने एक टर्म कॉइन किया, द आर्ट ऑफ लिविंग। वाओ, बहुत प्यारा टर्म द आर्ट ऑफ लिविंग। जैसे आशुतोष महाराज जी ने एक टर्म कॉइन किया, दिव्य ज्योति। कहां पे है तो पता चला इनसाइड है, द इंटरनल लाइट। तो मैंने कल आपको यह तो बता दिया कि वो कौन से एक्स्ट्रा पिलर हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप कैसा किया जाए, तो उन्हें डेवलप किया जाएगा त्याग और तपस्या के बल पर। क्या त्यागे और किसकी तपस्या,
अब जीवन, अब ये बड़ा प्यारा सूत्र है, इसको सुनिएगा बहुत प्यार से। त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के दो विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं। ये सिर्फ स्कूल टीचर है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस, इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे, और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट है। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। ये कहेंगे हिंदू बनने के लिए तिलक लगाओ, सुबह 5 बजे नहा लो, मंदिर में जाओ, घंटा बजा दो, हिंदू हो। मुसलमान बनने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, दाढ़ी बढ़ा लो, जकात दे दो, मुसलमान हो गए। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर, बाहर से, यहां इंटरनल। अब अगर तुम इनसे पूछो त्याग क्या है, पुरोहित से, तो ये कहेंगे धन का त्याग करो, जो कमाए हो वो हमको दे दो, बस यहीं पे आम आदमी डर जाता है। और बोले तपस्या, अब पुरोहित जो है, पुरोहित, इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी बाहरी त्याग है, बाहरी, इसका हर काम आउटर है, तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जो तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन और दान कर दें, और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फिर तरह जुए के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, सब बाहरी, सब बाहरी। इसीलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता, सिफर में रहते हैं, सिफर में रहते हैं। लेकिन इनके पास चूंकि तर्क बड़ा अच्छा अच्छा होता है, लॉजिक बड़ी अच्छी अच्छी होती है, तो जब ये लोग अब दे दिए 2 करोड़ रुपए, दान भी कर दिए, माला भी दिन भर फेर रहे हैं, और जब ये उनके पास जाते हैं कि महाराज कुछ हो नहीं रहा है, अरे बोले तुम्हारे पुराने कर्म, तो हिंदुओं को तो पुराने कर्म याद दिला दिए जाते हैं, और मुसलमानों से कह दिया जाता है कि परीक्षा हो रही है तुम्हारी, अल्लाह अपने ही बंदों की परीक्षा लेता है। ये संतुष्ट, एक को लगता है कि हम पुराना कर्म भुगत रहे हैं, दूसरे को लगता है कि हमारी परीक्षा चल रही है, दोनों खुश, दोनों मस्त। लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, आह, संत, जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स, ये सेंसस पे जी रहा है, सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज, एक्स।
ये पांच इंद्रियां हैं, पांच पांच इंद्रियां हैं, पांच काम इंद्रियां हैं, ये पांच फाइव सेंसेस हैं। और 25 साल तक 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। आदत, और 25 साल की आदत, बचपन में आपने देखा होगा या हो सकता है किया भी हो, एक खेल खेलते थे लोग कि यहां 100 बार अगर रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, आंख बंद करके अगर 100 बार यहां रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो हम भी शिकार हुए उसके सर, 100 बार रगड़ दिया। साइंस इतनी तेज उस वक्त थी नहीं कि घर्षण पैदा होगा, चमड़ी बाहर चली जाएगी और 6 महीने तक उसका दाग बना रहा। आदत, माइंड के इसी फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार, संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। मन की इसी फीचर को ध्यान में, आदत। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया, बचपन से, बचपन से, यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से, यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे आईएएस होते, पीसीएस होते, इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद नहीं, तो ये सारे, अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कार, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों। संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं। तो महान क्या चीज बनाती है, वो महान बनाती है साधना। अब ये क्या है साधना, अब ये पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट 25 साल 100 बार रगड़ने में दाग पड़ गया था, गौर करिएगा, 25 साल की हैबिट है। आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होगी। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर, नफरत क्यों है, आदत नहीं है। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। हालांकि नुकसान तभी करती हैं वो जब उनके ऊपर मेहनत न की जाए। अगर 1 किलो आम खाके 15 किलोमीटर कोई दौड़ ले, उतनी ताकत तो कहीं पैदा ही नहीं हो सकती। तो अब त्याग कैसे करना है, स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है कैसे, कहने के कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा, सेहत त्याग।
लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कहकर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी, ये तपस्या साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी, कम से कम। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते। और लोग डरते हैं त्याग से कि जो है अगर उसको छोड़ दे और उस पार कुछ भी ना मिले तो। जैसे व्यक्ति को जब पता होता है कि मैं मारुति 800 छोड़ रहा हूं और मुझे ऑडी मिल रही है, आराम से छोड़ देगा, बहुत आराम से छोड़ देगा। लेकिन जब उसे उस पार का पता ही ना हो, जब व्यक्ति को उस पार का पता ही ना हो तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और छूटेगा भी तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बमुश्किल 5 दिन के लिए। इन इंद्रियों का त्याग करना है। नींद बड़ी प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी, और आजकल तो लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते हैं। उसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी लोगों की नींद पूरी ही नहीं होती, टूटती रहती है बीच बीच में, इतनी अंदर अस्थिरता है। पहली बार तो जल्दी आती ही नहीं, रात भर करवट इधर उधर लेते रहते हैं, मन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे एक साइड में मन चल रहा है, पहले साइड में कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, पूरा गांव सामने आके सर झुका दिया, तो खूब चौड़े होकर लेटे, और फिर मन पलट के दूसरी तरफ चला जाता है कि आईएएस नहीं बन पाए, मां बाप भगा दिए, भीख मांग रहे हैं, तो सिकुड़ के लेट गए। ऐसे काफी देर तक रात में यह प्रक्रिया चलती रहती है। आजकल लोग थक कर सोते हैं मेजॉरिटी, आजकल लोग अपनी नींद से नहीं सोते कि लेटे नींद आ गई, थक कर कि भैया रात भर इधर उधर पलटते रहे और पता नहीं कब नींद आ गई। नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, अगर गहरी आ जाए फुल फ्लेज्ड तो 5 घंटे बहुत है, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अगर बेहोशी की नींद आ जाए 6 घंटे बहुत ज्यादा है। नींद का त्याग होगा तो जागरण मिलेगा। लेकिन हर त्याग के साथ, हर सुबह आप उठना चाहते हैं, 5 बजे आपकी नींद खुली, 6 बजे आपकी सुबह नींद खुली, उठिए मत, एक बैग जबरदस्ती मत करिए, रुके रहिए बिस्तर पर, रुके रहिए, आंख बंद रखिए, कोई बगावत मत करिए, आपका मन तुरंत 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक कहेगा कुछ नहीं होता यार, 2 घंटे सो ले यार, कुछ नहीं होता सुबह उठने से। 2-4 एग्जांपल भी खिला देगा कि चर्चिल हमेशा 11 बजे सो के उठता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उठता ही था। मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि जो वो करवाना चाहता है उसके पक्ष में एविडेंस देना शुरू कर देता है। रुके रहिए आप बिस्तर पे, एकदम रुके रहिए, और जो भी आपका नाम है, जैसे अवध आपका नाम है, जगाइए। बड़ा अजीब सा लगेगा पहले 15 दिन, बहुत अजीब सा लगेगा, खुद को जगाइए, खुद को आराम से, यह साधना है, यह संस्कार नहीं है, यह साधना है, ये ध्यान है। संस्कार से जो चीजें होती हैं वो हैबिचुअल बनाती हैं आदमी को, कि मौलाना साहब 2 बजे की नमाज पढ़ने जाते हैं, हैबिचुअल है। लेकिन साधना क्या करता है, ध्यान क्या करता है, कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और उससे आपके अंदर ताकत का संचार होने लगता है, आप इंटरनली पावरफुल होने लगते हैं। जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा, सेंसेस को, उसको साधना करनी पड़ी, और जिसने सही डायरेक्शन में किया, बुद्ध ने, महावीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, तो उनको कॉन्शियस मिल गई, चैतन्य, और जिसको भी चैतन्य मिला वो महान हो गया। त्याग किससे करना है? सेंसेस का।
लेकिन त्याग के साथ तपस्या साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। आप खाना खाने बैठे, चिकन बहुत पसंद है, चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, कोई बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करिए, खाना रखिए सामने और जागरूक हो जाइए, सांसों पे आइए, बस जागरूक अलर्ट हो जाइए, अपने आप को खाने से अलग कर लीजिए। वो जो उत्तेजना थी वो कन्वर्ट हो जाएगी। जितने लोग उत्तेजना में खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक तो ज्यादा ज्यादा खाते हैं और दूसरा खाते ही चले जाते हैं। जब यहां तक भोजन पहुंच जाता है कि अब नहीं जा सकता, तब उनको लगता है कि पेट भर गया। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, बेहोशी बहुसंख्यक लोगों को है सर, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूरी वार्निंग में लिखा हुआ है टोबैको कैन मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दिए। तीन तीन चीज, तीन। कोई विटामिन नहीं, कोई यूजफुल चीज नहीं, यह बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब यह नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी, आंख खुली होकर भी बेहोशी होती है। वो बड़ी अजीब सी बेहोशी है, 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो बेहोश है। सिगरेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसा उत्पाद है दुनिया का जो कीमती है, बड़े पैमाने पर बिकने वाला है और जिसका कोई फायदा ही नहीं है। शराब का तो भी कुछ है और बहुत कुछ है, शायद ही दुनिया का कोई रोग हो जिसमें सिगरेट पीने को रिकमेंड किया जाए। दुनिया के कई सारे रोग हैं जिसमें शराब को रिकमेंड किया जाता है। आर्मी के लोग तो लेकर ही चलते हैं शराब, अफीम, इंजरी हो गई, घायल हो गए तो पेन को रोकने में काम आती है। बेहोशी का त्याग और होश की उपलब्धि होगी, लेकिन इस लेकिन एक त्याग के साथ, यही 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 सिर्फ त्याग नहीं, तपस्या भी। बैठना पड़ेगा सर, सांसों को देखना पड़ेगा। आप सिगरेट लीजिए, ऐसा कसम मत खाइए कि अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ देखूंगा नहीं, अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ जाऊंगा नहीं, ना 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 ना, ना ऐसे नहीं। मंदिर में कसम खा लिया कि आज से शंकर जी की भोलेनाथ के सर पे हाथ रखे कसम खा रहे हैं, जो एक सिगरेट पी ले, ये सबसे कुछ ना होगा। सिगरेट रख लीजिए बगल में और जैसे ही तलब, इच्छा तो होती नहीं, तलब, सांसों पे आइए, तुरंत सांसों पे आइए और डीप सांस अंदर ले आइए। ये आपके विल पावर की तपस्या, मतलब विल पावर की जांच। तो वो जो तलब अंदर उठ रही है वो उतने समय में परिवर्तित होगी सर, बदलेगी। पुरोहितों ने क्या किया? पुरोहितों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। वो चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे सिख पुरोहित हो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मार डाला। किसी भी धर्म के पुरोहित से अगर आप पूछिए सैक्रिफाइस, त्याग, बाहरी बताएगा, बाहरी, धन दे दो, फिर उससे क्या होगा? नहीं, धन का त्याग करो, नहीं फिर उससे होगा क्या? तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया, तुमने 10 करोड़ किसी को दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ? तुम्हारे अंदर क्या बदला? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मकान है, तुमने उसे दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। इसीलिए तो पुरोहितों के बताए हुए रास्ते पर परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि पुरोहित धर्म के स्कूल टीचर हैं, इनका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज्यादा है, और वो तथ्यात्मक जानकारी इतनी ज्यादा है कि लोग उसी से प्रभावित हो जाते हैं।
संत जो हैं वो धर्म के वैज्ञानिक हैं। पुरोहित आपसे, पुरोहित के रास्ते पर अगर आप चलेंगे ना तो मेहनत करना ही नहीं है। इसीलिए तो पुरोहितों के प्रति लोगों का बड़ा लगाव है। हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज। केले का पत्ता ले आओ, नहीं है, अच्छा नहीं है तो बेल का पत्ता ले आओ, नहीं है, अच्छा नहीं है तो आम का ही ले आओ। हर चीज का रिप्लेसमेंट है, संतों के पास नहीं है। संतों की कंडीशन है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जाले अपना सो चले हमारे साथ। सिंपल, वहां कोई समझौता है ही नहीं। तो त्याग जो है, त्याग, त्याग, सैक्रिफाइस और तपस्या, त्याग किसका? मैंने कहा स्वाद का। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में एक छिपी हुई चीज है, साधना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। ये हिडन है, हिडन, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, और ये कन्वर्ट होकर आपको सेहत दे देगी, आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई, आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। बेहोशी का त्याग, भागना नहीं है, आपका होश बढ़ गया। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी, यह नियम है, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने, किया तो त्याग किया, किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ना ना ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन, थ्रोन और भगवान के बीच ये है, साधना और ध्यान। तुम एक एक करके, एक एक, एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक हैं, उनको छोड़ो। एक एक चीज किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, इनर इंजीनियरिंग होगी ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़, एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो, पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहे। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे, हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो, बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी, और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है।
वो जबरदस्ती है, वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा, वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। मैंने कहा ना कि संस्कार आदमी के जीवन को सरल बनाते हैं, महान नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर संस्कार महान बनाते होते, सिर्फ संस्कार, तो मठ और मदरसों के लड़के दुनिया में सबसे ऊंचाइयों पर रहते, उनसे ज्यादा संस्कारी कोई होगा ही नहीं। लेकिन त्याग और साधना से जो संस्कार पैदा होता है वो वास्तविक संस्कार है, जिसने आंतरिक परिवर्तन किए हैं। बाहर से आपने अपने ऊपर कुछ भी इंपोज नहीं किया। इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो वही है महावीर जी, हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर। आज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मित्रों का, स्कूल के मित्रों का, उसमें आज से फिर उन्होंने शुरू कर दिया अपने वो पुराने ढर्रे पर, वो जो व्हाट्सएप मैसेज वो भेजते थे, तो बीच में जब कोरोना हावी हुआ तो धार्मिक मैसेज आने लगे। आप भी देखेंगे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में कि जब कोरोना से बड़ी मौतें शुरू हो चुकी थी तो हर आदमी बड़ा धार्मिक मैसेज भेज रहा था, ये कुरान की आयत पढ़ लीजिए, ये टेस्टामेंट का पढ़ लीजिए, ये जो है आदि ग्रंथ का पढ़ लीजिए, ये रामायण का, हर आदमी भेज रहा था, भगवान सबकी रक्षा करे, प्रभु सबकी रक्षा करे। और जैसे ही माहौल बदला लोग फिर आ गए अपने ढर्रे पर, फिर वही पुराने तरह के मैसेज, फिर वही बदतमीजी भरे मैसेज। हमारे एक मित्र हैं, उनको कोरोना हो गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा, फोन करके कहा कि बस बच गए हैं और अब संन्यास ले लेंगे, अब पूरा जीवन सेवा में लगाएंगे। बोले अब किसी तरह भगवान ने दूसरा जन्म दे दिया है, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ सेवा करना है। आज सुबह ही पूछ रहे थे कि कोई व्यवस्था करा दोगे एक आध बोतल की उधर। हमने कहा तुम तो कह रहे थे सन्यासी हो जाएंगे, कह रहे देखो सेवा करेंगे ना, सेवा करने का व्रत लिया, सेवा करने का। एक व्यापारी था तो समंदर में जा रहा था अपने जहाज को लेकर, तो तूफान उठा जहाज में, समंदर में, और लगा कि अब जहाज डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस व्यापारी ने प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान आज हमें बचा लो, आज हमें बचा लो, तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर मैं दान पुण्य कर दूंगा। भगवान ने सुन ली। अक्सर ऐसे लोगों की भगवान सुन लेता है चेक करने के लिए, देखें सही कह रहा था झूठ कह रहा था। तूफान टल गया, बच गया व्यापारी, लौट कर आया उसका अरबों का घर, घर में अरबों की संपत्ति। उसे लगा यार ये तो बहुत बड़ा वादा कर दिया, अब क्या करें। तो उसने पुरोहितों को बुलाया, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, मैं फंस गया, मैं क्या करूं। पुरोहितों ने कहा सरकार टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी सारी संपत्ति एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ बिल्ली रख दीजिए। आपकी संपत्ति कितने की पूरी? बोला 300 करोड़ की। कहा ठीक, और आप बोली लगाइए कि मैं अपनी सारी संपत्ति बेच रहा हूं, लेकिन यह मेरी सारी संपत्ति मात्र 10,000 रुपए की, और इस संपत्ति के साथ मैं अपनी बिल्ली भी बेच रहा हूं जो 300 करोड़ रुपए की। तो जो लोग बोली लगाने आए उन्होंने कहा बिल्ली 300 करोड़ की और इतनी सारी संपत्ति 10,000 रुपए की? हां, उसने कहा हां। अरे लोगों ने कहा भाड़ में जाए, हमसे क्या लेना, हमें तो संपत्ति से लेना देना, 300 करोड़ रुपए में बिल्ली भी खरीद ली और 10,000 की संपत्ति खरीद ली। पुरोहितों ने कहा सर ये सारी संपत्ति आपने 10,000 में बेची है, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको बोलते इंसान। तो वो जो कल मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 4 पिलर बताए, संघर्ष, डिसिप्लिन, धार्मिक होना
और खुद पर ध्यान देना, उसके लिए त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं का, त्याग के साथ तपस्या, ध्यान प्रत्येक चीज पर। कितना टाइम लगेगा एक अच्छी स्थिति में आने के लिए? एक बहुत अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगे। इसलिए परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य। तो एक्स्ट्रा चीजें डेवलप करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, जिसका सूत्र है ध्यान और साधना। जय हिंद।